नवाब मलिक जो है मंत्री नवाब मलिक टूट जाएंगे, लेकिन एक्सटेंड हुआ है 7 मार्च तक, क्या क्या बताएंगे? जिस तरीके से राष्ट्रवादी कार्यकर्ता भी इस वक्त यहाँ पे मौजूद है और इन्होंने जो प्रार्थना की है, या पूरे महाराष्ट्र में, मुंबई में, या पूरे देश में जिस तरीके से प्रार्थना चल रही है, तो इतना तो आस्था सबको है कि प्रार्थना किसकी कभी भी रायगा जाती नहीं है। ठीक है, हमको न्यायपालिका पे भरोसा है, अभी ये कानूनी लड़ाई है, कानून के हिसाब से लड़ी जाएगी, लेकिन जिस तरीके से अभी भाई साहब ने बताने का काम किया, 7 तारीख का भी इंतजार कर लेते हैं, कोई दूर नहीं है, लेकिन दूध का दूध पानी का पानी जनता के सामने आएगा। और नवाब मलिक जिस तरीके से जनता बोल रही है कि नवाब मलिक एक आवाज़ नहीं है, ये हर सवाल का जवाब है, तो जैसे ही नवाब मलिक बाहर आएंगे तो जो भी विपक्ष के नेता लोग उन पर आरोप लगाने का काम किए, और जो भी मामला थे, नवाब मलिक साहब तो खुद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके रोज के रोज अपनी बात पार्टी की तरफ से रखने का, महाविकास आघाड़ी की तरफ से रखने का काम किए। और सबसे ज़्यादा मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ, जिस तरीके से पूरी महाविकास आघाड़ी, हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार जी नवाब मलिक के पीछे खड़े हुए, और सारे कार्यकर्ता हम लोग के साथ में, हमारे परिवार के साथ में खड़े हुए, मैं सभी का आभार प्रकट करता हूँ। और आज जिस तरीके से 7 तारीख का फिर ईडी का समय मिला है, 7 तारीख को फिर हम आशावादी है, निराशा हमने सीखा नहीं है, हमारे स्लोगन में ये राष्ट्रवादी आशावादी, तो हम लोग 7 तारीख के दिन फिर जमा होंगे और उम्मीद करेंगे कि नवाब मलिक जिस तरीके से आज उनको 7 तारीख तक के लिए दिया गया है, आने वाले 7 तारीख को हमको न्याय मिलेगा। सुबह जब नवाब मलिक को लाया गया ईडी से कोर्ट की तरफ, तो उनके बॉडी लैंग्वेज में वो जोश था, वो उम्मीद थी, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? नवाब मलिक मैं व्यक्तिगत जानता हूँ, मेरे पिताजी गुजर के 6-7 साल हो गया है। नवाब मलिक ने हम लोगों को अपने बाप की बच्चे की तरह पाला, नवाब मलिक हमारे बाप समान है, और उसने ज़िंदगी के अंदर कभी भी निराश रहना नहीं सिखाया हमको, हर कदम के ऊपर हम लोगों को लड़ना सिखाया है और एक सही राह दिखाना सिखाया है। तो जो नवाब मलिक का जोश है, हम परिवार के लोगों के साथ में तो है, साथ में जितने हमारे कार्यकर्ता है उनका भी जोश बढ़ाने का नवाब मलिक कार्य है। ठीक है, नवाब मलिक साहब की तबीयत बीच में, उनको किडनी का प्रॉब्लम है, उसके लिए यूरिन में ब्लड आ गया था, उसके लिए 2-3 दिन हॉस्पिटल में उनको रखना पड़ा, वही आधार भरा कि आज वापस से ईडी ने टाइम लेने का काम किया है, लेकिन हमको उम्मीद है आने वाले 7 तारीख को हमको कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा।